जय माता दी। भोजपुरी खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम परवल का पानी वाला भड़ुआ बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनने में बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हम परवल को लेंगे और इसे खखोड़ेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसे छीनना नहीं, इसे खखोड़ना है। चाहे तो आप इसे चम्मच की हेल्प से भी खखोड़ सकते हैं। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को काट देंगे और नीचे वाले पार्ट को भी। इसी तरीके से हम सबको कर लेंगे। सेम दूसरे के साथ भी हम पहले इसे खखोल लेंगे। खखोलने से इसका ये जो छिलका है वो निकल जाता है, थोड़ा सा ही छिलका होता है इसका पूरा। अब इसका भी साइड काट देंगे, ऊपर से नीचे से भी काट देंगे। इसी तरीके से सबको काट देंगे। अब इन से धो लेंगे, देख लीजिए, हाथ से थोड़ा टाइट धो लेंगे। उसके बाद देख लीजिए, सबको धो लिया है हमने। अब इसको बीच में से कट करेंगे, इसको बीच में से कट करके इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे निकाल लेंगे। इन्हें फेंकना नहीं, इसे सब्जी में ही मिक्स करके बनाएंगे। तो इन्हें साइड में रख देंगे हम, जब ग्रेवी बनेगी तब डालेंगे इसके अंदर। देख लीजिए, इसी तरीके से निकालना है आपको। इसी तरीके से हम दूसरे को भी निकाल देंगे। सबको निकाल लिया है हमने इसी तरीके से, देख लीजिए, दिखा रही हूँ मैं आपको। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों तेल डाल के परवल को डाल देंगे और इन्हें लाल करेंगे दोनों साइड से। छोलनी की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे पहले, ताकि ये थोड़ा सा लाल हो जाए। देख लीजिए, ये लाल हो गए हैं कितने अच्छे से। परवल को कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि ये कितने अच्छे से लाल हुआ है दोनों तरफ से। देख ही सकते हैं आप कि ये कितने अच्छे से लाल हुआ है, देख लीजिए। इसी तरीके से आपको करना है। अब कढ़ाई में दोबारा तेल डाल के इसके अंदर तेज पत्ता डालेंगे और बारीक कटे हुए प्याज और जो परवल के अंदर का जो पार्ट था उसे डालेंगे। अब इन्हें लाल करेंगे कम से कम 5 मिनट तक। इन्हें लाल करना है, तभी ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि मैं छलनी की हेल्प से इसे चला रही हूँ, उसी तरीके से आपको इसे लाल करना है। देख लीजिए, 5 मिनट के बाद ये लाल हुआ है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर डाला है, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा पीस के, देख लीजिए। अब इन्हें मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए प्याज के अंदर। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हल्का थोड़ा सा पानी डालेंगे, देख लीजिए। उसके बाद इसे भूजेंगे कम से कम 6 मिनट तक अच्छे से, जब तक ये अच्छे से लाल नहीं हो जाता। अब इसे ढक कर के भूज लेंगे 6 मिनट के बाद। देख लीजिए, ये कुछ ऐसा है, पूरे अच्छे से हमने 6 मिनट तक भूजा है ढक कर के। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये परवल की भड़वे की रेसिपी कैसे लगी। इन्हें थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब इसे ढक करके 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे बाहर निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। ये हो गया है और थोड़ा सा छोड़ देंगे, ये इसलिए निकाल रहे ताकि परवल के अंदर में इसे भर लें, तभी इसका भड़ुआ का मसाला तैयार है। इसमें थोड़ा सा रखेंगे ताकि ग्रेवी हो सके। इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप इसके अंदर पानी डालें। स्वाद अनुसार नमक। अब परवल को ले लेंगे हम। अब इसके अंदर मसाला को भरेंगे। देख लीजिए इसका मसाला है, चम्मच की हेल्प से इसके अंदर भरेंगे। इसी तरीके से आपको भरना है, इसके अंदर अच्छे से भरना है इसे, जैसे कि मैं भर रही हूँ। देख ही सकते हैं कितने अच्छे से भरा है हमने इसे। इसी तरीके से हम सबको भर लेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। देख लीजिए हमने सबको भर लिया है इसके अंदर मसाले को। अब इसके अंदर जो इसकी ग्रेवी बन रही थी इसके अंदर डाल देंगे। सबको डाल देंगे वन बाय वन। और इसे ढक करके कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। देख लीजिए 5 मिनट के बाद ये सब्जी बनके बिल्कुल ही तैयार है। आप इसे किसी के भी साथ खाइए, रोटी चावल, बहुत ही टेस्टी लगेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। कोई भी आए घर पर गेस्ट वेस्ट, झटपट जल्दी से बना के सर्व कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ मैं आपको नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।